आज हम यहाँ सिग्नेचर ग्लोबल में आए हैं 92 सेक्टर में। यहाँ झुग्गियों में एक सांप होने की कंप्लेंट मिली है। भाई ने बताया है कि यहाँ पर एक बड़ा कोबरा है जो निकला हुआ है, बच्चे खेल रहे थे, उसे अब रेस्क्यू करेंगे। देखते हैं कितना बड़ा है। पहले भी मैं यहाँ पर कई रेस्क्यू कर चुका हूँ, काफ़ी बड़े बड़े सांप यहाँ मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा सांप है एक बार। हो कहाँ बेटा, घुस गया? अरे पत्थरों में। ठीक, ये कह रहे हैं कि यहाँ पत्थरों में घुस गया है, टाइल के नीचे बता रहे हैं। इसके नीचे घुस गया। अच्छा अच्छा, लो ये बैग पकड़ो, खोल लियो इसको। ये पत्थर है, इनके नीचे घुस गया है भाई। कहीं बड़ा था कैसा, काला था? दो बतावा है, काला दो। अच्छा, एक है कि दो? एक परली साइड है, एक परली साइड है। इसमें इसके अंदर घुस गया, ये हटाने पड़ेंगे बेटा। मदद कराओ ना इनको, हटवाओ थोड़ा। आ जाओ सारे आ जाओ। एक बार लग लो इसके, ये पत्थरों दबे पड़े हैं। तो पत्थर भाई पूरे बड़े हैं क्या? पत्थर ही छोटे हैं, बड़े हैं? ले इसको हटाओ, इसको हटाओ बेटा, ऐसे दूर करवाओ इनको। बिल बना रखे हैं इनने। बिच्छू ना कुछ करो दूर, इनको यहाँ दूर हटा ले। दीवार के सारे छेद होगा इसमें कहीं, उसमें होगा वो। बेटा इनको उठा के इधर करवा दो, एक दो दो जने करवा दो, मदद करा दो। करो मदद कराओ, फिर जल्दी हो जाएगा काम। हटाओ, दूर करो। पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ दो, ऐसे पकड़ के उठा फेंक दे। क्या आएगी हट दे, दिख रही है तेरे सांप गई है। अरे इसको पकड़ के दूर करवा दे। ले पकड़, हट जाओ बैठ जाओ। तू है भी के? देख वैशाल, ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, भारतीय नाग, काफ़ी बड़ा सांप है। ये हाइबरनेशन में था, इसलिए यहाँ पत्थरों के नीचे छुप गया था। लोगों ने देख लिया तो इसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल है यहाँ पर, बच्चे खेल रहे हैं और झुग्गियाँ भी साथ में ही हैं। अगर ये घरों में घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी बड़ा स्पेक्टिकल कोबरा है, बहुत जहरीला होता है ये। देखिए बेटा बैग खोल लियो, बैग कौन ले रहा है? ये देखिए काफ़ी बड़ा सांप है, लेकिन शांत है, क्योंकि सर्दी की वजह से ये थोड़ा स्लो हो जाता है, हाइबरनेशन की वजह से। इस वक्त धूप लगती नहीं, और जब तक कोबरा को धूप नहीं लगेगी तब तक ये जो सक्रिय नहीं हो पाता है। सर्दियों में सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से। काफ़ी शांत है ये, करीब 5 फीट का होगा, 5 फीट का सांप। देखिए काफ़ी जहरीला होता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट इसी सांप द्वारा की जाती है, और लोगों को सबसे ज़्यादा यही सांप मारता है। ये देखिए बिल्कुल शांत है ये। अब इसको हमने रेस्क्यू कर लिया, अब इसको डाल देते हैं बैग। नीचे करो बेटा, नीचे करो। ये देखिए, जय हो।